आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बरेली के भोजीपुरा स्थित राजश्री मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज के MBBS के छात्र छात्राएं अनिश्चितकाल धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि कॉलेज उनसे अवैध वसूली कर रहा है। MBBS की पढ़ाई के लिए जो फीस मान्य थी, उसके बाद भी अन्य कई चार्जेस लगाकर फीस बढ़ा दी गई है। छात्र छात्राओं ने पहले नारेबाजी के साथ जुलूस निकाला। उनका कहना है कि काफी समय से उन्हें मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था और जब भी वो अपनी आवाज उठाते थे, उन्हें फेल करने की धमकी भी दी जाती थी, जिस कारण उन्होंने कॉलेज के खिलाफ किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन अब छात्रों का कहना है कि उनकी मेडिकल की पढ़ाई पूरी हो गई है और उनकी इंटर्नशिप कराई जाए, लेकिन कॉलेज उनकी इंटर्नशिप कराने के लिए उनसे 3.30 लाख रुपए फीस के तौर पर मांग रहा है। जबकि स्टूडेंट का कहना है कि इंटर्नशिप की कोई भी फीस नहीं जाती है। साथ ही उन्होंने कहा और कॉलेज में मेडिकल्स के स्टूडेंट की इंटर्नशिप शुरू हो गई है, लेकिन राजश्री में फीस ना देने के कारण उनकी इंटर्नशिप अभी तक शुरू नहीं कराई गई है। छात्रों का कहना है कि कॉलेज हमसे लगातार फीस के नाम पर अवैध वसूली करता आ रहा है, और साथ ही साथ जानकारी देते हुए बताया कि कॉलेज को जिस तरह से फैसिलिटी देनी चाहिए, उस तरीके से छात्रों को फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है, बस चार्ज लगाए जा रहे हैं। जियो के इंटरनेट के नाम पर 1.5 लाख की वसूली की गई है। बरेली से संवाददाता सुमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अलग के लिए बना रहा हूं। आज आप लोग धरने पर बैठे हैं, क्या है पूरा मामला? धरने पे हम इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमसे अवैध वसूली करी जा रही है। हम लोगों से एक्स्ट्रा फीस मांगी जा रही है, जबकि RTI डालने पे एक्स्ट्रा फीस हमारी है ही नहीं, ओरिजिनल फीस ही है। और हमें को इंटर्नशिप शुरू नहीं करी जा रही है, जबकि इसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड SRMS की इंटर्नशिप भी शुरू हो चुकी है। और हम लोगों से ये कहा जा रहा है कि आपको इंटर्नशिप जो है वो इन्हीं 3.5 अगर आप देते नहीं हैं तब तक आपकी शुरू नहीं करी जाएगी। हम पे मेंटल प्रेशर बनाया जाता है कि हर टाइम हमें नोट यूज़ करवाना पड़ता है। इतना हरासमेंट करती है, एग्ज़ाम से पहले भी हरासमेंट करती है, और हम पे इतना हम लोगों को परेशान कर देते हैं कि हम लोग पढ़ने लिखने लायक नहीं रह जाते हैं यहाँ पर। अब तक ये क्यों शांत रहे थे आप लोग, अगर इतना आपको पता था कि यहाँ पर इस तरह की फैसिलिटी नहीं है और परेशान किया जा रहा है तो? देखिए, हमारे अब तक शांत रहने और चुप रहने की बस एक ही वजह थी कि कॉलेज प्रशासन की तरफ से हमें धमकी दी जाती थी। वो धमकी अलग अलग तरीके से होती थी। सबसे पहला चीज़ होता था, हमें डराया जाता था डिटेंशन के नाम। डिटेंशन आप जानती हैं एक बहुत बड़ा शब्द है, और करियर के मामले में डिटेंशन एक बहुत बुरी चीज़ मानी जाती है। अगर कोई बच्चा डिटेन हो जाता है तो उसके 6 महीने खराब हो जाते हैं। ये पहली वजह थी हमारे डर से चुप रहने की। हमारी दूसरी वजह थी कि सप्ली डीन या मैनेजमेंट प्रशासन खुलेआम बोलता था, अगर आप फ़ी जमा ना करो, आप कुछ उनके खिलाफ बोलो, कुछ भी बोलो, एक ही स्टेटमेंट आता था मैनेजमेंट की तरफ से, आपकी सप्ली आ जाएगी, आप फेल हो जाओगे। तो ये तो खुलेआम धमकी हुई ना। और तीसरी बात कि यहाँ हमें हर बात पे, हर चीज़ पे मेंटल टॉर्चर किया जाता था। तुम फेल हो जाओगे, तुम सप्ली आ जाओगी तो आएगी तुम्हारी, तुम्हें डिटेन कर दिया जाएगा, तुम्हारे करियर का क्या होगा, तुम्हारी मार्कशीट हमारे पास है, तुम आज तक हमें एक भी ओरिजिनल मार्कशीट 4 साल की हमें नहीं मिली जी। इस कारण से हम मजबूर थे। आज भी हमारे पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है। मांगने पर जाते हैं, नहीं नहीं वो तो बाद में मिलती है डिग्री के टाइम। क्यों? ईयर पास होने के बाद बच्चों को मार्कशीट तो मिलनी चाहिए ना। हमें बस एक लिस्ट निकलती है, पास फेल आप हो गए, अब नेक्स्ट ईयर जाओ। इस डर से हम चुप रहे थे कि अब हम चूँकि फाइनल ईयर पास हो चुके हैं, अब डिटेंशन का डर नहीं है हमें, अब फेल होने का डर नहीं है हमें, इसलिए अब हम बिल्कुल परेशान होकर इस मेंटल टॉर्चर से बढ़ी हुई फी के खिलाफ अपने तरह। टोटली कितने बच्चे होंगे MBBS के? हमारे बैच में टोटल 150 की परमिशन है, तो 150 और 11 बच्चे 2016 से है, वो टोटल मिला के 161 बच्चे हैं हमारे बैच में। क्या आप लोगों को इससे पहले नॉलेज थी यहाँ के कि इस तरीके की फैसिलिटी है या नहीं है जो बताया गया था एडमिशन के वक्त पर? नहीं, हमें एडमिशन के वक्त पे जो बताया गया था उसके अलावा इन्होंने सब कुछ किया है। हमें एडमिशन के टाइम पे फ़ीस फिक्स करके दी थी, लेकिन एडमिशन लेने के 1.5 महीने बाद हमें बताया गया था कि आपकी पर ईयर 1.46 लाख फीस बढ़ गई है, जो कि ये केस अभी तक जीते नहीं है इनका। गरीबों के बच्चे को डॉक्टर बनने दो, बनने दो, बनने दो। गैर कानूनी वसूली बंद करो, बंद करो, बंद करो। गैर कानूनी वसूली बंद करो, बंद करो, बंद करो। NMC के नियम को लागू करो, लागू करो, लागू करो। अर्जी सोए हो क्या? जाग जाओ, जाग जाओ, जाग
कौन दिया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।